ग्राम पंचायत बाशा की वार्ड नंबर 3 में मनरेगा के तहत लगे डंगे को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है कि डंगे के निर्माण में सरकारी धनराशि का दुरुपयोग हुआ है, जिसकी शिकायत स्थानीय निवासी ओम प्रकाश ने BDO कंडाघाट को दी, जिसके बाद पंचायत इंस्पेक्टर को जांच अधिकारी नियुक्ति किया। जांच अधिकारी ने टीम गठित कर मौके का जायजा लिया और वहां पर बयान दर्ज किए। पंचायत इंस्पेक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट 15 दिनों में सौंपी जाएगी। मेरा नाम राजेश शर्मा है और मैं विकासखंड कंडाघाट में पंचायत निरीक्षक के पद पर हूँ। तो आज आप ग्राम पंचायत बादशाह में आए हैं, क्या कारण रहे और क्या मसला था, पूरी जानकारी मार्गदर्शकों को दे और क्या उसका आज रिजल्ट निकला है उसके बारे में बताएं। विकासखंड कंडाघाट में श्री ओम प्रकाश जी की अप्लीकेशन आई है निर्माण डंगे के बारे में। अमर सिंह के द्वारा जो डंगा लगाया गया मनरेगा के तहत लगाया गया है, उसके बारे में उन्होंने शिकायत की है। तो उसमें सभी के पंचायत पदाधिकारी, शिकायतकर्ता और जिसके विरुद्ध शिकायत की है उनके सभी के बयान लिए। तो ये जांच कंप्लीट हो चुकी है अभी आगे जारी? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि अभी सिर्फ बयान हुए हैं, बाकी अभी थोड़ा मौके का निरीक्षण करना है। वो कब तक होगा सर? मौके का निरीक्षण तो अभी जाते जाते ही रास्ते में ही है, उसमें अभी जाते वक्त ही कर लेंगे, उसके बाद फिर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो रिपोर्ट आपको कब तक तैयार रहेगी? रिपोर्ट मैक्सिमम 10-15 दिन तो लग ही जाते हैं, बाकी जब कई बार ब्लॉक में ज़्यादा काम होने की वजह से बर्डन होने से टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। तो अभी हमारी आपसे सरसरी तौर पे एक बात हो रही थी, तो आपने कहा अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसमें जरूरी है, तो उस मसले पे क्या कहना चाहेंगे? रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए पहले हमने वैसे लिखा नहीं था क्योंकि इसमें दस्तावेज पहले लगे हुए थे, तो उसी के आधार पे हमने जांच रखी थी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो उनको बुलाना आवश्यक है। अगर दोबारा भी हो सकता है कि दोबारा भी ये जांच रखनी पड़े, अगर हमें नेक्स्ट डेट के लिए करना अभी जांच अभी जारी रहेगी। तो कोई निचोड़ नहीं निकला अभी? तो कोई निचोड़ सिर्फ बयान हुए हैं, बाकी मौके का निरीक्षण होगा, उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। और अगर जी इसमें पटवारी की भू राजस्व का भी कोई देखा जाएगा तो उनको बुलाना पड़ेगा।